चीन सीमा पर भारत के 20 जवान शहीद होने के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में लगातार बढ़ते तनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि बस अब बहुत हुआ, हमें सच जानना है कि आखिर क्या हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर चुप क्यों है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आखिर चीन ने हमारे सैनिकों को मार कैसे दिया है, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि चीन ने हमारी जमीन को हड़प लिया। बता दें कि भारत और चीन के बॉर्डर पर 20 जवानों की शहादत के बाद विपक्षी पार्टियां भी लगातार सरकार से सवाल कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने अब सरकार पर तीखा हमला बोला है। मोइत्रा का कहना है कि पिछले एक हफ्ते में चीन, पाकिस्तान और नेपाल बॉर्डर पर लोगों की जान चली गई है, सवाल पूछने पर उन्हें एंटी नेशनल कह दिया जाता है।